हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सुबह संध्या, राधे राधे। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पिछली वीडियो बरसाना धाम की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसे कि ब्रज में 40 दिन की होली शुरू हो चुकी है, बरसाना धाम में भी हमने खूब होली मनाई दोस्तों, और बस अब इंतज़ार है रंगीली होली का, लठमार होली का, जो मुख्य होलियाँ हैं जो कि 17-18 मार्च से शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों इसी के साथ अभी संध्या के समय हम जा रहे हैं वृंदावन, वृंदावन नहीं है लेकिन जो पुराना वृंदावन है वहाँ जा रहे हैं दोस्तों ठाकुर जी के दर्शन करने, और आपको भी दर्शन कराएंगे दोस्तों। यूं ही बने रहिएगा वीडियो के साथ साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और हमारे साथ जो मित्र जुड़ने वाले हैं, जो कि हमारे साथी जो हमारे साथ चलेंगे आज, वो ये हैं जिनको आप शायद ही पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन हम इनसे पहले से जानते हैं। राधे राधे। राधे राधे। चलो मित्र, चलो राधे। और अभी हम चीरघाट आ चुके हैं, ये रहा चीरघाट। जय हो राधे, जय हो राधे राधे। दोस्त अभी हम चीरघाट पे आ गए, और यहाँ से सीधा हम सबसे पहले जाएंगे राधा रमण जी के दर्शन करने, ठाकुर जी के, और आपको भी दर्शन कराएंगे। चलो सुनील भाई, और ये वृंदावन की गलियों में हम आ चुके हैं। जय हो। ये कुंज गलियाँ छोटी छोटी दुकानों से सुसज्जित ब्रज की ये कुंज गलियाँ राधा रमण जी के लिए। कंगन कंगन, ये कांची, राधे राधे बोल के, राधे राधे, राधे राधे बोल के, वृंदावन में डोल के, वृंदावन में डोल के, राधे राधे बोल के, राधे राधे। ये रास्ता गया निधिवन जी के लिए, और हम चलेंगे श्री राधा रमण जी के लिए। यहाँ पर भी काम चल रहा है दोस्तों। ये है निधिवन जी का पुराना गेट, पुराना फाटक, निधिवन का निकास गेट। फल फ्रूट खाओ, स्वस्थ रहो। जय हो, राधे राधे बाबा जी। ये देखो मस्त बैठा हुआ है। बस दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं, ये रहे हमारे ठाकुर जी सामने, हमारे राधा रमण जी बंद। राधा रमण जी दोस्तों अभी बंद हैं। दोस्तों अभी राधा रमण जी में दर्शन बंद हैं। इस चीज़ का मुझे मतलब ये है ना कि आजकल गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो ठंडियों के समय क्या होता है कि समय कुछ और होता है, गर्मियों के मौसम में समय कुछ और हो गया। तो अभी 5:30 बजे राधा रमण जी के पट खुलेंगे, और अभी समय हो रहा है 4:30 हो रहा है ना, मतलब पूरा 1 घंटा है। तब तक हम जमुना जी के दर्शन कर लेते हैं। ठीक सामने ही जमुना जी हैं, बस थोड़ा ही रास्ता है दोस्तों, इस गली से होते हुए हमें जाना है, क्योंकि इनकी बड़ी इच्छा है जमुना जी जाने की। खैर मैं तो जाता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है जमुना जी में, काफ़ी सुकून मिलता है वो हवाएँ जमुना जी की। देखिए दोस्तों पुराने ब्रज की एक झलक, ये पुराने से घर हैं, ये हवेली, यहाँ पर लोग रहते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत प्राचीन है, पता नहीं कितना प्राचीन है। जय हो राधा गोकुलानंद मंदिर। ऐसे ऐसे करके दोस्तों पूरे ब्रज में करीब 5,000-5,500 मंदिर हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, गली गली में मंदिर मिलेंगे ठाकुर जी के, सभी के मंदिर, गलियां ही गलियां हैं दोस्तों। कुछ गलियां तो मुझे याद हो गई हैं, यहाँ बिहार करते करते। ये हमारे मित्र कैसे हो, मित्र बिजी हैं, भोजन ले रहे हैं। ये देखो ब्रज के बंदर, ये भाग गया, भूल गए। ये ब्रज की गलियाँ ऐसे ही याद नहीं होती हैं दोस्तों। पिछली बार जब हम जमुना जी आए थे तो यहीं से ऊपर गए थे, और अम्मा की डांट खाई थी हमने। यहीं तो गए थे हम, यहाँ से ऊपर एक अम्मा की डांट खाई थी। ये देखिए कुछ मित्र जान यहाँ पे भी हैं, एक जैसे लग रहे हैं। जय हो जमुने मैया की, जय जय जय। क्या सुकून भरा नज़ारा है, क्या शांति है यार, आज बड़ी शांति लग रही है। जय हो जमुना मैया की जय। ठीक जमुना मैया के ऊपर आ चुके हम, और यहाँ से बहुत ही सुंदर मतलब सुकून भरा नज़ारा, क्योंकि अभी भीड़ भी कम है। नीचे चलते हैं, आप बोलो तो नाव में घुमाएं आपको, फोटो खिंचाएंगे, फोटो तो खैर। चलो लोकेशन, अरे सबसे प्यारी लोकेशन है सबसे।
दोस्तों पहले जमुना जी के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर नावें चल रही हैं सभी भक्तजन हमेशा की तरह। पिछले मैं दो बार नाव में बैठ चुका हूँ दोस्तों, मतलब पिछली बार भी नाव में बैठा था और इस बार देखते हैं समय रहा तो। वैसे हम समय की कमी है आज हमारे पास। जय हो जमुने मैया की जय। दोस्तों सबसे पहले जब जमुना जी आते हो, जमुना जी का आचमन लेना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये जय हो, जरूर आचमन लें। बोलो जमुने मैया की जय। जय जय। और ये पक्षियाँ भी झूम रही हैं जमुना जी के ठीक ऊपर। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर श्रृंखला जा रही है पक्षियों की, ये माला बना के जा रहे हैं। या नंद गांव से हो रही रे खेलन नटवर नंद किशोर। दोस्तों 40 दिन की हो रही ब्रज में, और जो मुख्य होली है वो है दोस्तों 17 मार्च 18 मार्च 19 मार्च 20 21 22 23 24 25, मतलब मुख्य होली ये लगा लो 17 मार्च से शुरू हो जाएगी। और अभी तो हर मंदिर में गुलाल की, मतलब गुलाल का प्रसादी सभी भक्तजनों पर लगाई जाती है, गुलाल की प्रसादी। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं केसी घाट की ओर, ठीक आगे आरती घाट कैसे घाट हो ब्रज का प्रसाद। ये प्रसाद वितरण हो रहा है दोस्तों सभी संतों के लिए। हर हर महादेव। यह है दोस्तों कैसी घाट, यहाँ पर आरती होती है और जो मुख्य घाट है वो आगे है। जय हो बजरंगबली जय। जय जय आरती घाट मुख्य स्थान। जय हो। ये संध्या आरती की तैयारी हो रही है दोस्तों, अब हम सीधा आगे यमुना मैया के दर्शन करेंगे। यमुना मैया का जो प्राचीन मंदिर है दोस्तों, रखना राधे 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 राधे। कण कण बोले श्री राधा 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 राधा। ब्रज की धता पता भी बोले कि राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा राधा। एक भक्ति है भी। जय हो जय हो श्री राधा राधा श्री राधा राधा। जय दोस्तों लड्डू गोपाल जी और परिक्रमा वाले भक्त भी चल पड़े हैं। जय हो राधे राधे। ये है नेपाल का सरकारी झंडा। ये हरी है घाट की सफाई। तो दोस्तों एक बार फिर से हम चीर घाट से अंदर जाएंगे राधा रमण जी के लिए। दोस्तों अभी हम राधा रमण जी आ गए हैं, पर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, अभी भीड़ बहुत है बाहर। देखिए दोस्तों भीड़ बहुत है भक्तों, क्योंकि अभी दरवाजे खुले नहीं है। ये देखिए दोस्तों भक्तों की भीड़, ये सब इंतजार में बैठे हुए हैं। राधा रमन सब
कबाड़ खुल गए, बस खुलने ही वाले हैं दोस्तों, द्वार खुलने ही वाले हैं श्राद्ध रमण जी के। अरे कोई नहीं, आराम से आएंगे। हाँ छोटे से टाइम। चलियो चलियो राधा जाओ। अब आ गए फाइनली गेट के अंदर। जय 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 राधा रमण जी। लाइन देखो पतली सी गली, संकरी सी गली में। ये भी लग गया लाइन में। सनई सनई पग बढ़ाएं धीरे धीरे। जय हो। आधा घंटे बाद प्रवेश। जय हो। चलो मित्र चलो। भीड़ भीड़ हो रही है। जय जय। पहुंच चुके हैं दोस्तों अंदर मंदिर के। जाहो दिखना रहे छोटे। जय हो। जय जय लाल के। जय जय दोस्तों। एक झलक के दर्शन ही काफी है। चलो जितनी जल्दी हो सके भाई हमें जाना है दोस्तों। थोड़ा और समय होता तो थोड़ा और उठते, लेकिन जितने भी दर्शन हुए बहुत अच्छे हुए, प्यारे दर्शन हुए। एक झलक हुई वाह। और इन्होंने किए पहली बार राधा रमण जी के दर्शन। कैसा लगा आपको, कैसा लगा इतनी जल्दी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। राधे 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 राधे। चलो आगे भी है। जा हो। मुझे पहले पहले जाना पड़ेगा भाई जी। हाँ दोस्तों आप आएंगे किसी दिन सुबह सुबह के समय राधा रमण जी में होली मनाने आएंगे। अभी तो चलता है।